समाजवादी पक्षाची संविधान बचाव संघर्ष यात्रा आज अकोल्यात पोहोचली आहे। यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी सुद्धा यात्रेसोबत होते। तर मराठा समाज आक्रमक झाल्याने सरकार झुकलं आणि मराठा आरक्षण मिळालं असल्याचं अबू आझमी यांनी म्हटलंय। तर मुस्लिम समाज जर आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्यास त्यांना गोळ्या घातल्या जातील असा खळबळजनक आरोप यावेळी अबू आझमी यांनी केलाय। अरे बाकुगर किया तो जेल चला जाऊंगा। अच्छा, और कुछ लोग मार दिए जाएंगे गोली। अगर जिस तरह मराठा भाइयों ने अपनी ताकत दिखाई ना, सरकार घुटने टेक करके उनके सामने चलेगी हाथ जोड़ी। अगर मुसलमान कर देगा मुस्लिम रेजिडेंट पे तो कब्रिस्तान भर जाएगी और जेल में जगह नहीं होगी। इस तरह उग्र तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कहीं भी हेट स्पीच होती है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कुछ होता है, त्रिपुरा में हुआ था तो ये अपना नांदेड़ और मालेगांव अमरावती में लोगों ने सिर्फ वो किया अपना नहीं, वो तो चल ही रहा है, उसकी आवाज़ ही नहीं जाती कहीं। जब तक हिंसक नहीं होगा ना तो आवाज़ जाती नहीं। जब उन्होंने किया ज़बरदस्त तरीके से ना मराठा समाज, तो सुन लिए। और लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते। मैं ऐसा करके अपने भाइयों की जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। हम डेमोक्रेटिक तौर पर जमहूरियत के कानून के दायरे में रहते अपनी डिमांड को मांगते रहेंगे। अब देखिए क्या होता है। जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817।